बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एचपी का एडाप्टर है हमारे पास, पावर सप्लाई भी कहते हैं इसको, चार्जर भी कहते हैं, एडाप्टर भी कहते हैं। ये तकरीबन 18.5 वोल्ट का, 18.5 वोल्ट और 3.5 एम्पियर में आउटपुट, 65 वाट और इनपुट यहाँ पे इसका 220 वोल्ट और ये इसका आउटपुट है। ये देख लीजिए, इस तरह का जैक होता है इसका आउटपुट का। तो एक इसके अंदर और एक इसके बाहर, ये पिन छोड़ के अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड, इसके ऊपर हमारे पास 18-19 वोल्ट तक आने चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि आपके MBs और टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है इस चीज़ का। मीटर को वोल्टेज पर सेट करेंगे, DC वोल्टेज पर। यहाँ मैंने इसको पावर में लगा दिया है। अब मैं यहाँ बाहर और अंदर की तरफ इसके वोल्टेज टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ सिर्फ मिली वोल्ट का साइन आ रहा है। वोल्टेज इसमें मिलने चाहिए 18-19 वोल्ट मिलने चाहिए, मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूँ, क्या प्रॉब्लम है हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसको खोलेंगे, खोलने के लिए अगर इस पर कोई स्टिकर वगैरह इस तरह का लगा है तो वो निकाल लीजिए। यहाँ पर भी ये स्टिकर है, इसको काट लीजिए इस तरह से, इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट में आप पेट्रोल और थिनर इस टाइप का कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। सॉल्वेंट इसके क्रैक बॉडी के ऊपर यहाँ पे डालिए, थोड़ा सा सब साइड से आपने सॉल्वेंट डालना है इस पर, ताकि ये इसका ग्लू लूज़ हो सके अंदर से। बस चंद सेकंड इंतज़ार कीजिए, उसके बाद अपना स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसको थोड़ा सा टैप कीजिए इस तरह। ये देखिए, ये स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर की मदद से अभी हम इसमें डाल के इसको खोल लेंगे। बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना, ये नौ के अंदर कंपोनेंट्स ही टूट जाएं या उखड़ जाएं, अक्सर औकात ये भी हो जाता है। बारह एहतियात से काम करना है इस तरह से। ये देखिए निकल गया, अक्सर हाथों से भी निकल जाता है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आपको ये करना पड़ता है। ये निकाल लिया, अभी हम इसको देखेंगे अंदर से। अंदर से क्या करना है कि आपने इसकी टेपें वगैरह उतार देनी है। ये शील्डिंग हमने उतारनी है इस तरह से, और ये वाली शील्ड भी उतार लीजिए। यहाँ देखें, यहाँ हम इसको अलग कर सकते हैं इस तरह से, और इधर से भी बिल्कुल इस तरीके पे। इस तरह से शील्ड उतर गई। अब देखें, इसके अंदर कंपाउंड भी है, सब कुछ भरा हुआ है। इसको हमें बड़े ही आराम से इसको उतारना है, निकालना है। और यहाँ पे ये इसमें सोल्डर होता है, तो ये सोल्डर पिन हमने निकालनी है। यहाँ पे इसका आउटपुट का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये देख लीजिए, ये वोल्टेज को सेट करता है। तो अब हमने यहाँ पे इसको सोल्डरिंग खोल के इसको अलग कर देना है। इसका सोल्डर खोलने के बाद इसको निकाल सकते हैं शील्डिंग को। इसके बाद ये जो इसके ऊपर लेदरहेड की शील्डिंग है, इसको भी उतार दीजिए। अब देखिए, अंदर आपको एक पावर सप्लाई नज़र आती है, जिसका एक प्राइमरी स्टेज है ये वाला इसका सेकेंडरी स्टेज है। तो ये डेड हो चुका है। अब हम चेक करेंगे बिल्कुल आम तरीके से, मीटर लेके हम इसकी जनरल सी चेकिंग करेंगे कि क्या चीज़ इसमें डेड हुई है और किस तरह का सिस्टम इसमें हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि आप सेकेंडरी साइड को भी टेस्ट कर सकते हैं, प्राइमरी को पहले टेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी आप टेस्ट करें, सेकेंडरी साइड पे टेस्ट करें कि कहीं ये दो केबलें जो हैं ये आपस में इसकी पावर की ये शॉर्ट हुई हैं प्लस माइनस या नहीं। कभी कभी सेकेंडरी का डायोड जल जाता है तो उसकी वजह से ये होता है। ये देखिए, सेकेंडरी पे ही हमें शॉर्ट मिल गया है, ये सेकेंडरी साइड पे ही हमें शॉर्ट मिल गया। अगर मैं इसको बीप मोड में ले जाऊं तो ये देखें कि सेकेंडरी साइड पे हमें शॉर्ट मिल रहा है। इसका मतलब सेकेंडरी साइड का डायोड मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट होगा। एक छोटा डायोड भी हो सकता है, बड़े डायोड भी इसमें हो सकते हैं। हम इसमें से ये खुर्चेंगे, निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा। थोड़ा प्राइमरी साइड को भी लुक दे देते हैं। प्राइमरी साइड का ये फ्यूज़ चेक कर लें, ये देखें फ्यूज़ ठीक है। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ आपको शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए, यहाँ शॉर्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें प्राइमरी साइड पे डायोड्स चेक कर सकते हैं, इसके रेक्टिफायर डायोड
और इसके अलावा इसका स्विच भी टेस्ट करेंगे। ये शायद इसका रेक्टिफायर है, तो मैं इसका रेक्टिफायर के ऊपर एक लुक दे देता हूँ। यहाँ ठीक है, सेकेंडरी साइड का के ऊपर यहाँ शॉर्ट नहीं है, ये दुरुस्त की निशानी है, अच्छी निशानी है। लेकिन ये जो सेकेंडरी साइड के ऊपर हमें जो शॉर्ट मिला है, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, इसका ये निकालेंगे, ये जो ग्लू वगैरह है ये निकालेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुरच के निकाल लूँगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से इसका शॉर्ट देखना है, ढूंढना है और रिपेयर करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्किट में से मैंने ग्लू हटा दिया है, यहाँ से ग्लू हटाया, यहाँ स्विच में से ग्लू हटाया, मॉस्फेट्स में से, और इस डायोड में से, आउटपुट डायोड में से भी ग्लू हटाया। अब सर्किट विजिबल है। अब हम मीटर की मदद से टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग में आपको दिखा देता हूँ कि टेस्ट कैसे करना है। देखिए, आपने इस डायोड के जो ये डबल डायोड होता है, इसकी ये दो आपस में किनारे वाले मिले होते हैं, ये आपको आपस में एक शॉर्ट को वो देंगे, लेकिन ये सेंटर वाला जो है ये इसके साथ इसको मिला हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये सेंटर भी आपको शॉर्ट दिखा रहा है, इधर से ये भी आपको शॉर्ट दिखा रहा है, दोनों आपको शॉर्ट दिखा रहे हैं, तीनों पिन आपस में शॉर्ट दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो मोस्ट जो डायोड है आउटपुट की, जो कि यहाँ लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ये डायोड है, इसके अंदर ये स्क्रू के ऊपर ये डायोड लगी हुई है ट्रांजिस्टर की शक्ल की, ये शॉर्ट सर्किट हो गई है, ये निकालनी पड़ेगी सर्किट में से अलग करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि ये शॉर्ट है या नहीं है। इसके बाद अगर ये शॉर्ट हुई तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं शॉर्ट हुई तो हम और कंपोनेंट ढूंढेंगे शॉर्ट सर्किटेड। इसकी वजह से पूरी स्टेज आउटपुट की शॉर्ट हो गई है। वैसे इस सूरत में जब ये सर्किट में लगी हो तो ये दो कैपेसिटर के भी चांस है कि इनमें से कोई एक शॉर्ट हो जाए या दोनों शॉर्ट हो जाए, फिर भी इस तरह का आपको शॉर्ट मिलेगा। लेकिन कैपेसिटर का ज़्यादा चांस नहीं होता, कैपेसिटर भी इसके पैरेलल में आ रहे हैं, इसलिए हम कैपेसिटर को डायरेक्ट सर्किट में चेक करेंगे तो ये आपको शॉर्ट ही देंगे। ये देखें, ये आपको शॉर्ट दिखा रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहे हैं, इसलिए हम कैपेसिटर्स को इस वक्त टेस्ट नहीं कर सकते इन सर्किट। इंस्टेड हमने ये डायोड जो है इसको निकालना है, और इसको निकाल के हम टेस्ट करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डायोड शॉर्ट है या ठीक है। तो अगर ये डायोड शॉर्ट हुई तो हम दूसरी डायोड ला के इसमें लगाएंगे, ट्रबल शूटिंग वीडियो हो जाएगी। आप इसमें से सीख सकते हैं जो आपने सीखा है कि मैंने किस तरीके से इसको अटैम्प्ट किया है। अब मैं देखूँ इसका ट्रांजिस्टर मॉस्फेट इनपुट प्राइमरी साइड वाला, वो देखते हैं। ये देखें, इनके आपस में पिनें शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ये देखें ये शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट ना हो तो फिर ये तकरीबन ठीक ही होता है, और शॉर्ट हमें चूंकि मिल चुका है यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे, तो हम इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हटा देंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें से ये डायोड, डबल डायोड जो है ये ट्रांजिस्टर की शक्ल का, ये निकालने के बाद हम टेस्ट करते हैं। मीटर को डायोड रेंज पर कर दीजिए इस तरह से, डायोड रेंज। अब हम ये करते हैं कि इसको टेस्ट करते हैं। देखिए, इसमें शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये एक साइड से बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। दूसरे साइड से चेक करते हैं, ये देखिए 0.2। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड हमारी ठीक है, डायोड एक साइड से कंडक्ट कर रही है, एक साइड से नहीं कर रही, ये डायोड ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्दर चेक करते हैं शॉर्ट, मीटर को कंटिन्यूटी भी कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट अभी भी है कि नहीं है। ये देखें, अभी तक शॉर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये डायोड निकालने के बाद भी शॉर्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये डायोड दुरुस्त है, लेकिन इस बोर्ड में स्टिल अभी तक शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट कहाँ पर है, ये कैपेसिटर्स देखें, ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं कैपेसिटर्स, इनको देखें, ये शॉर्ट बता रहा है, ये शॉर्ट बता रहा है, और ये एक छोटा कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में ये लगा हुआ है, ये वाला SMD, ये भी शॉर्ट बता रहा है। अब इन सर्किट हम इस तरीके से करेंगे कि इन तीन कंपोनेंट्स, दो कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, इनमें से कोई एक शॉर्ट हो गया है, तो इनमें से हमने करना यह है कि सबसे पहले एक को निकालेंगे, फिर दूसरे को निकालेंगे, फिर तीसरे को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक को दोनों को निकालेंगे, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर इसकी बारी आती है। अगर ये शॉर्ट हुआ तो इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह फिर कोई और कैपेसिटर लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा बोर्ड दुरुस्त होता है कि नहीं। जो चीज़ ख़राब होगी एक एक करके हम निकालते जाएंगे। असल में इन सर्किट टेस्टिंग का तरीका यही है कि आपने इन सर्किट सिर्फ एक अंदाज़ा लेना होता है सर्किट के अंदर, बोर्ड के अंदर,
कि क्या चीज़ ख़राब हो सकती है। जैसे अंदाजे की बुनियाद पे हमने ये निकाला लेकिन ये दुरुस्त साबित हुआ। अब क्या करेंगे कि हम इसको वापस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले वापस लगाने से पहले पहले हमने इसका शार्ट दूर करना है। शार्ट दूर हो जाएगा उसके बाद फिर शार्ट ख़त्म होने के बाद शार्ट सर्किटेड कंपोनेंट अलग करने के बाद ये वापस ये दुरुस्त वाले कंपोनेंट हम इसमें लगा देंगे। तो ये तरीका होता है अटैक करने का। वैसे जनरल रूल बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का ताकि आप दोस्तों को समझ आए, ताकि अगर आपके पास कोई और इस तरह की चीज़ आए तो वो आप आराम से रिपेयर कर सकें, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब मैं इसमें से ये कैपेसिटर्स एक एक करके निकाल के चेक करूँगा और रिज़ल्ट आपके सामने लेके आता हूँ। दोनों कैपेसिटर्स हमने निकाले, आउट ऑफ सर्किट उनको टेस्ट किया, आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट। देख लीजिए, ये ठीक, ये ठीक, शॉर्ट नहीं है इसके अंदर, फिर भी यहाँ शॉर्ट कायम रहा। लेकिन इसके कैपेसिटर को निकालने से पहले मैंने डिसाइड किया कि इसकी केबल को चेक कर लेते हैं। ये केबल भी इसके पैरेलल में आ रही थी, तो जब केबल मैंने चेक की, ये देखें केबल की एक लेग मैंने निकाली हुई है, तो केबल को मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि केबल की क्या पोजीशन है। ये देखिए केबल का रिज़ल्ट ज़ीरो, केबल मुकम्मल शॉर्ट, अलग से केबल शॉर्ट है, केबल के रिज़ल्ट ज़ीरो है। अब हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं कोदा पहाड़ निकला चूहा। हमने इतने कंपोनेंट्स निकाले, ये किया वो किया, आखिर में रिज़ल्ट में हमें ये केबल ख़राब मिली। बहरहाल ख़राबी तक हम पहुंच चुके हैं। जो भी है हम ये करेंगे कि ये दो कैपेसिटर्स, ये डायोड, ये सब कुछ वापस लगाएंगे, फिर यहाँ पे आपको मैं वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर हम ये केबल को रिपेयर करेंगे। केबल कभी कभी यहाँ से ख़राब हो जाती है, इन इलाकों से ख़राब होती है यहाँ से, या फिर जो इसका सरा है जहाँ पर ये लैपटॉप में लगता है, ये वाली जगह कभी कभी इधर से ख़राब हो जाता है, कभी कभी यहाँ से ख़राब हो जाता है। तो जहाँ से भी ख़राब होगा हम इसको खोलेंगे, केबल को यहाँ से इसको काटेंगे, निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका शॉर्ट दूर करेंगे। तो वो मैं आपको आफ्टर रिज़ल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों ये सब कंपोनेंट्स मैंने इसमें वापस लगा दिए, डायोड कैपेसिटर्स जो निकाले थे, वायर अलबत्ता निकली हुई है इस वक्त, ये देख सकते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मीटर को वोल्टेज पर डीसी वोल्टेज पर करके डीसी वोल्टेज यहाँ टेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने शुरू में किया था। अगर मुझे यहाँ पे 18-19 वोल्ट मिल गया तो ये ठीक हो गया। ये देखिए 19 वोल्ट, प्रॉब उल्टा के देखते हैं, माइनस की निशानी मिल रही है, प्रॉब गलत है। ये देखिए 19.47 वोल्ट, आप देख सकते हैं 19 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं, 19.5 वोल्ट तक। ये चार्जर बिल्कुल इस तरीके से सही हो चुका कि जब हमने केबल उतारी है तो ये सही हो गया। ये सर्किट एक्चुअली ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम इसके केबल में थी। हम अगर आपके पास इस तरह का मसला आ जाए तो ये भी एक टोटल रिपेयर है, ऐसा नहीं कि ये रिपेयर नहीं है, इसको हम रिपेयर नहीं कहेंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रबल शूट करना शुरू किया था तो उस वक्त तो हमें सर्किट के ऊपर भी शक था, सब कुछ था, लेकिन उस वक्त तक हमने ये नहीं मालूम किया था कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है। हम एक एक कंपोनेंट को चेक कर रहे थे, पैरेलल में जब ये केबल की बारी आई तो केबल ख़राब निकली, केबल शॉर्ट है कहीं से। मैं खोलूँगा इसको, चेक करूँगा, उसके बाद फिर केबल को रिपेयर कर लूँगा और वापस यहाँ पे रिस्टोर कर दूँगा केबल को, और फिर देखेंगे ये सही हो जाएगा। ये सही तो वैसे भी हो चुका है, आपके सामने है, और सर्किट इसका दुरुस्त है। बस सिर्फ शक की बुनियाद पे हमने कंपोनेंट्स निकाले थे जो कि हमने वापस लगा दिए और इसकी वजह से सर्किट दुरुस्त कर गया, लेकिन केबल हमने ख़राब निकाली है इसमें से, तो केबल को मैं दुरुस्त कर दूँगा और वापस लगा के इसको रिस्टोर कर दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो रिपेयर की, ट्रबल शूटिंग की, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, आल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। पावर सप्लाईज के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं और भी मैं लाता रहूँगा आपके सामने, और इस चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।